हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल KLD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब तक हमने 3 वीडियो पोस्ट कर चुका है दोस्तों, और ये जो है आज हमारी 4थी वीडियो पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा कल का चैलेंजिंग क्वेश्चन था, विश्व का कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 17.74%। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है हमारा वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों कितने जुलाई को? दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टैपी गैस पाइपलाइन किन देशों से होकर नहीं जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम टैपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। तो टैपी में हमारे 4 देश सम्मिलित हैं दोस्तों, TAPI। टैपी में हमारे 4 देश सम्मिलित हैं दोस्तों। तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया दोस्तों। तो हमारा जो इंडोनेशिया है जो ये टैपी गैस पाइपलाइन से के लाइन के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसका शुभारंभ जो हुआ था दोस्तों वो 13 दिसंबर 2015 को हुआ था दोस्तों। कितना को? 13 दिसंबर 2015 को हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था दोस्तों? तो ये था हमारा 1974 से 1985। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला पंचवर्षीय योजना था दोस्तों ये 1951 से 1956 था। जो दूसरा था दोस्तों 1956 से 1961 था। तीसरा 1961 से 1965 था। और जो चौथा था 1969 से 1974 था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PMJJBY कितनी आयु के लिए शुरू की गई थी दोस्तों। तो ये शुरू की गई थी 18 से 50 साल के लिए शुरू की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सर इसका मोटो था जो प्रत्येक खाताधारक को 2 लाख रुपए की जीवन बीमा उपलब्ध कराती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा शहर जो BS4 से BS6 ईंधन में स्थानांतरित करने वाला पहला शहर बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है दोस्तों हमारा न्यू दिल्ली बन गया दोस्तों। कौन सा दोस्तों? न्यू दिल्ली बन गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IPPB कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों 1 सितंबर 2018 को दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था हमारा ये 1 सितंबर 2018 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो निम्न में से कौन सा ट्रेन भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन था दोस्तों? तो भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन था दोस्तों ट्रेन 18 था दोस्तों। कौन सा दोस्तों? ट्रेन 18 था। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, जो इसमें कोचों की संख्या थी दोस्तों ये मात्र कितनी थी? 16 थी। और जो इसकी स्पीड थी तो वो थी 160 किलोमीटर पर आवर्स थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? तो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों तराइन का हमारा 2 विश्व युद्ध हुआ था, एक हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, एक दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में दोस्तों। और इसमें जो ये युद्ध था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किनका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों राजीव गांधी जी हैं जिनका जन्म सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो भी कब दोस्तों? 20 अगस्त को दोस्तों। कब? 20 अगस्त को दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? तो रिंग ऑफ फायर पाया जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को NCR में शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को NCR में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों शामली। कौन सा दोस्तों? शामली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको आसानी से कह सकते हैं किसको शामिल किया गया है दोस्तों? तो शामली को शामिल किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस शहर ने अपना खुद का लोगो प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये है हमारा बंगलुरु, जो अपना खुद का
लोगों प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NRTU गुजरात के किस सिटी में बन रहा है दोस्तों? तो ये बन रहा है दोस्तों बड़ौदरा में बन रहा है दोस्तों। लेते हैं दोस्तों जो इसमें है दोस्तों, ये रेलवे से संबंधित पढ़ाई कराएगी। NRTU जो कॉलेज है ये रेलवे से संबंधित पढ़ाई कराएगी दोस्तों। किस राज्य में पानी ATM की शुरुआत हुई है दोस्तों? किस राज्य में पानी ATM की शुरुआत हुई दोस्तों? तो ये हुई है तेलंगाना में। तो दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, ATM का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। क्या बताना है दोस्तों? ATM का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नोबेल प्राइज कितने फील्ड में प्रदान किया जाता है? नोबेल फील्ड कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो नोबेल फील्ड हमारा 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं वो 6 क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों। तो वो हैं दोस्तों, पहला है चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा शांति और छठवां दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में हमारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो WHO का मुख्यालय, पहले WHO का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में कौन सा सिटी शामिल है दोस्तों? 100वें स्मार्ट सिटी के लिए कौन सा सिटी शामिल है दोस्तों? तो शामिल है हमारा शिलांग। कौन सा दोस्तों? शिलांग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आई हरियाली योजना किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? तो आई हरियाली योजना जो है वो पंजाब राज्य में शुरू की गई है दोस्तों। किस राज्य में दोस्तों? पंजाब राज्य में शुरू की गई थी, जिसकी थीम थी कि फ्री में पौधे यानी मुफ्त पौधे प्रदान किया जाता था। कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है हमारा चेनाब नदी पर है, जो 11,000 फीट है। बिहार के मोतिहारी स्टेशन का क्या नाम रखा गया है दोस्तों? बिहार के मोतिहारी स्टेशन का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो रखा गया है बापू धाम मोतिहारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गायों के लिए मंत्रालय स्थापित करने वाला राजस्थान के बाद कौन सा दूसरा राज्य बना है दोस्तों? तो ये बना है दोस्तों मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, गायों के लिए मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? पहला राज्य कौन सा दोस्तों? तो पहला राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान है। किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्था नहीं है दोस्तों? किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्था नहीं है दोस्तों? तो ये है हमारा उड़ीसा है, जिसमें द्विसदनी व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसमें कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, उड़ीसा में जो है हमारा द्विसदनी नहीं है। जिन राज्यों में है वो इस प्रकार है दोस्तों, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में जो है दोस्तों द्विसदनी व्यवस्था की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस फल को GI टैग प्रदान किया गया है दोस्तों? तो किस फल को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, शाही लीची को जो बिहार का GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, भारत का पहला मेथेनॉल कुकिंग ईंधन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला मेथेनॉल कुकिंग ईंधन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों असम राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। किस राज्य में? असम राज्य में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस राज्य में है दोस्तों? जो सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आज के लिए आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्यों में
अनाथों के लिए 1% आरक्षण दिया गया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्यों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण दिया गया है दोस्तों? ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा दोस्तों। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ दोस्तों, हमारी वीडियो की ये चौथी सीरीज है और 3 सीरीज पूरी हो चुकी है। तो जिस किसी छात्र ने हमारी 3 सीरीज नहीं देखी है, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल KLD क्लासेस में जाइए, सर्च कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।